ओम शांति। और आप सभी को प्यार भरा नमस्कार और गुड इवनिंग। हम सभी के जीवन में समय का बहुत बड़ा महत्व है और हम सभी लकी हैं कि हमें अपने जीवन में थोड़ा सा समय हमको मिल रहा है, जो हम थोड़ा सा वक्त निकाल कर अपने लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने फैमिली के लिए और अपने बेहतर मानसिक स्वास्थ्य के लिए, बेहतर समाज के लिए, बेहतर परिवार के लिए। दोस्तों, भाइयों एवं बहनों, एक बहुत प्रसिद्ध कहावत है कि जिस चीज के लिए हमने जीवन में समय निकाला है, वही चीज हमको फाइनली प्राप्त होनी है। अभी हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किस चीज के लिए अपना वक्त और समय निकालते हैं, अपना टाइम हम कहाँ पर लगाते हैं और किस तरह की चीज़ों में हम अपने आप को इन्वॉल्व करके रखते हैं। आज के समय की अगर बात करें तो जो कोविड का प्रॉब्लम है, पैंडेमिक है, वो भारत में कई देशों की तुलना में काफ़ी तेज़ी से केसेस नए आ रहे हैं। ऐसे समय में मानसिक रूप से हम सभी को सुदृढ़ होना जरूरी है। मेंटली स्ट्रांग होना अपने आप में किसी भी लड़ाई को लड़ने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। किसी ने खूब कहा है कि अगर हमने मन में किसी चीज़ को जीत लिया है तो बाहरी तौर पर उसको जीतने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय पर आप सभी के साथ चर्चा करेंगे। हम सभी जानते हैं कि सारी दुनिया, भारत भी एक महामारी के दौर से गुजर रहा है। ऐसे समय में जो हमारी सरकार है अपनी तरफ से पूरा प्रयास कर रही है, जी जान लगा रही है, टीके भी हमें मुफ्त में दे रही है कि हम भी दो बार टीका लगवाएं ताकि हम इससे सुरक्षित हो सकें। पर आए दिन कुछ न कुछ समाचार आप ऐसे भी सुनते हैं जिनको वैक्सीन लगी है उनको भी इन्फेक्शन हो रहे हैं और मन में भय फैल रहा है और डर फैल रहा है। और ऐसे समय में अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं होंगे तो कहीं ना कहीं हम ये जंग हार सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने पीपीई किट का नाम तो सुना ही होगा ना, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ना। विशेष रूप से जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जब वो किसी कोविड अस्पताल में जाते हैं या कोविड के पेशेंट के साथ उनका इंटरेक्शन होता है तो पीपी किट पहनी जाती है। और पीपी किट में मुख्य रूप से 5 हिस्से होते हैं, आप सभी जानते हैं, फिर भी उस पर थोड़ा हम आप सभी के साथ चर्चा करते हैं। अगर आप ऊपर से चलें, हेड से, तो हेड पर क्या होती है, हेड कैप होती है। आप सभी देखते होंगे जो विशेष रूप से हॉस्पिटल में काम करते हैं, एक ग्रीन कलर की, लाइट ग्रीन कलर की कैप लेके चलते हैं, तो वो तो इन जनरल कैप है। लेकिन जो पीपी किट की कैप है वो डिफरेंट होती है, क्या कहेंगे, वो वायरस के लिए ट्रांसपेरेंट नहीं होती है। वैसी कैप होती है कि जिससे बाहर का वायरस अंदर नहीं जा सकता है। एक कैप होती है जो हम लोग सर पे पहनते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है गूगल, जो हम आंखों में चश्मा लगाते हैं, बड़ा गूगल होता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज होती है चेहरे पर मास्क लगा के रखना। मास्क आप जानते हैं कि कोरोना के प्रिवेंशन में कितना इंपॉर्टेंट है। और जो चौथी इंपॉर्टेंट चीज है वो है गाउन, जो हम पहनते हैं सर से लेकर के
नीचे तक पूरा गाउन, जिसको हम कोट कह सकते हैं सरल भाषा में, वो हम पहनते हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट चीज होती है ग्लव्स। हाथों में, जिन हाथों से हम काम कर रहे हैं उन हाथों में ग्लव्स का पहनना। अब ये सभी चीजें इंपॉर्टेंट हैं और सभी चीजों का अपना इंपॉर्टेंट रोल है। अगर ये सभी चीजें हम एक साथ करते हैं तो वायरस के संक्रमण करने की संभावना हमको बहुत कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है। और इस पीपी किट के साथ जब हम मरीज को देख करके बाहर निकलते हैं, क्योंकि पीपी किट को हम बाहर छोड़ देते हैं, और जब हम पहुंचते हैं स्नान आदि करके फ्रेश होकर के, कुछ हमने गर्म पानी पी लिया, काढ़ा पी लिया, गुनगुना दूध और हल्दी पी लिया, तो और भी संभावना कम हो जाती है। पर साथ साथ में अगर हम कुछ योगा करते हैं, कुछ एक्सरसाइज करते हैं, कुछ मेडिटेशन करते हैं, तो उस कीटाणु को पनपने की संभावना और ही कम हो जाती है, नगण्य हो जाती है। तो भाइयों बहनों, अगर हमें कोरोना वायरस से बचना है तो मोटे मोटे तौर पर हमें इन चार पांच स्टेप्स को गहराई से पालन करना है। ये प्रोटेक्शन हो गया हमें कोरोना वायरस से बचने के लिए, पीपी किट पहनना, और जब काम हो जाए तो स्नान आदि करना, उसके बाद कुछ हॉट ड्रिंक्स लेना, चाय, कॉफी, मिल्क, हल्दी या काढ़ा इत्यादि इत्यादि, भाप लेना, गर्म पानी लेना, और साथ में योगा और मेडिटेशन करके अपने लंग की एक्सरसाइज करना, उसकी वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाना, अपने मेंटल पावर को स्ट्रांग करना, ये सब चीज़ें हम करते हैं कोरोना से फाइट करने में। और अगर ये चीज़ें हमारे साथ हो जाएं तो हमें कोविड होने की संभावना लगभग ना के बराबर होती है। दोस्तों, ये हो गई फिजिकल, जो हम लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन अगर हम मेंटली स्ट्रांग नहीं हैं, एक फिल्म का डायलॉग है आप सभी सुनते होंगे, जो डर गया सो मर गया। इसलिए हम आपके साथ वो पांच बातें शेयर करेंगे जो हमारी कॉन्शियसनेस है, जो हमारा आभा मंडल है, और जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है, उसके चारों ओर एक सुरक्षा कवच की तरह हमें काम करेगा। उस पर हम चर्चा करेंगे आपसे, बहुत इम्पोर्टेंट है ये, हमें तो बहुत हेल्प करता है ये सुरक्षा कवच। अनुभव के साथ हम आप सभी के साथ ये बात साझा कर रहे हैं कि आप सभी भी अगर इस सुरक्षा कवच का उपयोग करते हैं तो आप सभी को इसमें बहुत फायदे हो सकते हैं। आइए हम चलते हैं सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप की तरफ। हमें याद है लास्ट ईयर जुलाई अगस्त के महीने में हमारी कोविड में ड्यूटी लगी थी, तो उस समय हमने इस एक्सरसाइज को बहुत आजमाया था, अपने आप को मेंटली ठीक रखने में, अपने आप को काम एंड कंपोज रखने में, स्टेबल रखने में। और उस अनुभव के आधार से हम कह सकते हैं कि आप भी अगर उसको अपनाएंगे अपने जीवन में, आपका भी बहुत फायदा हो सकता है उससे। आपके मन से डर निकल सकता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सकता है, आपका मेंटल पावर कई गुना बढ़ सकता है, और ना सिर्फ आप अपने मन को मजबूत कर सकेंगे बल्कि दूसरों को भी आप मेंटली स्ट्रांग बना सकेंगे। तो दोस्तों, पहली बात, जैसे हमने पीपी किट में बात की थी, सबसे ऊपर क्या होता है? सबसे ऊपर होता है हेड कैप। अब इस पर बहुत गहराई से हमें विचार करना है। संसार में अरबों लोग हैं, कुछ दैवी प्रवृत्ति वाले भी हैं, कुछ आश्रय प्रवृत्ति वाले भी हैं, कुछ धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी हैं, भिन्न भिन्न प्रकार की टेंडेंसीज, पर्सनालिटीज वाले लोग संसार में हैं। लेकिन आप अगर उन सबको देखेंगे तो आप पाएंगे किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रीति से उसका अपने भगवान पर आस्था और विश्वास है। जिस भी रूप में, जैसे भी वो मानता हो, उसका अपने इष्ट पर विश्वास है। अगर हम जो बहुत फेमस किरदार है हमारे भारत में, हम लोग सुनते हैं रावण का, तो रावण भी शिव का भक्त था। भले वो स्वयं को भगवान मानने लगा, या अपने आप को शक्तिशाली मानने लगा, या उसके अंदर अहंकार प्रवेश कर गया, तो वो चीजों को महत्व तो नहीं दिया, लेकिन भगवान
वास्तव में देखा जाए तो वो भगवान शिव को याद करके उनसे शक्ति और वरदान लिया करता था। तो भले ही वो कितना भी घमंडी रहा हो, कितना भी वो ईश्वर के पर उस तरीके से आक्षेप लगाता रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी भगवान के प्रति आस्था जरूर थी। जो लोग भक्ति भावना से संपन्न होते हैं उनकी तो होती ही होती है, पर आश्री प्रवृत्ति वाले व्यक्तियों की भी भगवान के प्रति आस्था होती है, हम समाज में देखते हैं और जानते भी हैं। तो जिस भी तरह के हम स्वभाव वाले हों ये मैटर नहीं करता है, वो हमारा पिता है, ईश्वर जो है हमारा पिता है। और जो पिता का नजर होता है वो अपने हर बच्चे के ऊपर समान दृष्टिकोण होता है, वो किसी को ज्यादा ध्यान रखेगा, किसी को कम ध्यान रखेगा, ऐसा नहीं है। इवन जो शैतान होता है, जिसकी आदत अच्छी नहीं होती है, वो उसका ज्यादा ध्यान रखता है, कहीं ऐसा ना हो कि और ज्यादा ना बिगड़ जाए, माता पिता का नाम बदनाम करे। तो पिता के मन में अपने बच्चों को लेकर के कहीं पार्शियलिटी नहीं होती है। और ईश्वर को हम परम पिता कहते हैं, गॉड फादर कहते हैं, परमात्मा कहते हैं, जिस भी अलग अलग नाम से हम लोग जानते हैं, और उसको हम सर्वशक्तिमान कहते हैं। क्या कहते हैं भगवान, क्या है, अलमाइटी अथॉरिटी है, मोस्ट पावरफुल है। मतलब भगवान से बढ़कर के कोई संसार में शक्तिशाली हो सकता है ना। भगवान को बैद्यनाथ भी कहते हैं, बुद्धिमानों की बुद्धि भी कहते हैं, खुदा दोस्त भी कहते हैं, और हर संबंध से उसको हम याद करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि इन सब के बावजूद वो हमारा पिता है, और पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो बच्चों के लिए होती है, और पिता के मन में यही सुभावना होती है कि वो अपनी सारी प्रॉपर्टी का जो सदुपयोग है वो अपने बच्चों के लिए करे, और उसके बच्चे उसके पूरे रिसोर्स का सदुपयोग करके अपने जीवन को, अपने भविष्य को बहुत ऊंचा बना ले, और उनकी खुशी उनकी उन्नति में ही माता पिता अपना सुख और अपने उन्नति महसूस करते हैं। तो थोड़ा सा अगर ये हमें पक्का हो जाए, हमारे मन में बुद्धि में ये निश्चय हो बैठ जाए बिल्कुल पक्की रीति से कि मैं किसकी संतान हूँ, मैं सर्वशक्तिमान आलमाइटी अथॉरिटी भगवान की संतान हूँ, ये जितना पक्का निश्चय होगा हमारे सामने। देखिए शास्त्र में प्रहलाद का उदाहरण है, और आप सभी से बेहतर प्रहलाद के बारे में कौन जान सकता है। उसके खुद के पिता जिसने उसको जन्म दिया, उसके खुद के पिता के माध्यम से प्रहलाद को कितनी प्रताड़ना दी गई, कितना तंग किया गया इस बात को लेकर के, लेकिन जो उसका निश्चय था, जो उसका विश्वास था, वो उसको हर परिस्थिति में आखिरी समय तक उसको बचाता रहा, उसकी सुरक्षा करता रहा। अब ये तो हम जानते हैं कि ये विश्वास ही हमें मुसीबत में या मुसीबत के दौर से हमें बाहर निकालेगा। तो प्यारे भाइयों एवं बहनों, आज का जो दौर है, आज का जो समय चल रहा है, इस समय में हमें इस विश्वास को और पक्का करने की जरूरत है। विश्वास को पक्का करने से तात्पर्य हमारा ये नहीं है कि हम लापरवाह हो जाएं, हम केयरलेस हो जाएं, अपना ध्यान ठीक से ना रखें, समय से ना सोएं, ना समय से उठें, ना सेफ्टी मेजर्स अपनाएं और कहें नहीं भगवान तो सर्वशक्तिमान है, वो तो हमारा पिता है, हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमारा कुछ होगा नहीं, ऐसे नहीं। इन सब बातों को, सुरक्षा के जो भी इंतजाम हमारे सबको करते हुए मन में एक गहरा विश्वास रहे कि मैं सर्वशक्तिमान परमात्मा की संतान हूँ, और पिता होने के नाते उसको हमसे ज्यादा फिक्र होती है, वो हमारा पिता है, उसको हमसे ज्यादा फिक्र होती है बच्चों को नुकसान ना हो जाए। अब खुद आप सोच के देखो, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा है 2-4 साल का, आप सड़क क्रॉस कर रहे होंगे, बच्चा क्या करेगा, आपका बार बार हाथ छोड़ करके भागेगा, बार बार आपका हाथ छुड़ा करके भागेगा, और माता पिता क्या करेंगे, उसको फिर से पकड़ लेंगे, फिर से पकड़ लेंगे, फिर से पकड़ लेंगे। लेकिन अगर बच्चा इतना चंचल हो जाए, इतना जिद्दी हो जाए
वो हाथ पकड़ना ही ना चाहे तो माता पिता कितनी बार प्रयास करेंगे। इसलिए भाइयों बहनों, मन में बुद्धि में इस बात को हमें पक्का कर लेना है कि हमसे ज्यादा फिकर हमारी भगवान को है, हमसे ज्यादा फिकर हमारे माता पिता को हमारी है। और हम ही अगर इतना फिक्र करने लगेंगे तो माता पिता फिर क्या करेंगे। इसलिए हर सावधानी बरतते हमें इस अभ्यास को बढ़ाना है कि हमारे सर पर ना हेड कैप पहनते हैं ना, हमारे सर पर सर्वशक्तिमान परमात्मा का हाथ है। हम एक्सरसाइज भी करेंगे, अभी इसको अभ्यास भी करेंगे, आप फील करके देखें। आप में से जो सुन रहे हैं कोई पेरेंट्स भी होंगे, आप जब कभी अपने बच्चे के सर पे हाथ रखते हैं, रखिए क्या रखते हैं, ठीक हो जाएगा, ऑल इज वेल, बच्चा कैसा महसूस करता है ना, चाइल्ड फील कंफर्टेबल, मेरे अंदर हमारे सर पर हमारे माता पिता का हाथ है। मुझे एक कहानी याद आती है, शायद आप लोगों ने भी सुनी होगी। एक एरोप्लेन से बहुत सारे यात्री जा रहे थे, एरोप्लेन में कुछ आकाश में टर्बुलेंस क्रिएट हो गया, कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई और सब पैसेंजर्स बहुत परेशान हो जाते हैं, उनके अंदर बहुत भय हो जाता है, डर लगने लगता है, पता नहीं क्या होगा, किस तरीके से होगा, वो भय लेकर के वो काफ़ी चिंतित हो जाते हैं। और उन यात्रियों के बीच में एक बालक होता है, 1.5-2 साल का 3 साल का, वो बिल्कुल निश्चिंत होता है। उनको बड़ा आश्चर्य होता है कि आप इतने निश्चिंत कैसे हैं, तो बहुत नशे से कहता है, आपको नहीं मालूम इस फ्लाइट के जो पायलट हैं हमारे पिताजी हैं, और हमें पता है कि हमारे पिताजी हमें सुरक्षित मंजिल पर जरूर पहुंचाएंगे। तो प्यारे भाइयों बहनों, ये अनुभव के साथ हम ये बात आप सभी के साथ साझा कर रहे हैं, इतना विश्वास, इतना कॉन्फिडेंस हो हमारे अंदर, इतना फेथ हो उसके ऊपर, और साथ साथ जो एक रूल्स रेगुलेशंस हैं उसके अंदर रहते हुए उस फेथ को अगर हम रखते हैं तो निश्चित तौर पर हमें अपने जीवन में सफलता मिलती है, हमारा मनोबल बढ़ता है, और एक सुरक्षा कवच, एक सटल वाइब्रेशंस, एक छत्र छाया परमात्मा की हमारे चारों तरफ रहती है। वैसे तो हम इसको चलते फिरते अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कम से कम दिन में 3 या 4 बार कर लें इस अभ्यास को, तो फिर ये पक्का हो जाएगा। जैसे सबसे पहले आप लोगों ने देखा होगा, जिनको डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होती है, उनको नींद खुलते ही घबराहट बेचैनी शुरू हो जाती है, चिड़चिड़ापन शुरू हो जाता है, मन में हताशा और निराशा के ख्याल शुरू हो जाते हैं। तो पहला अभ्यास सुबह उठते ही, जैसे ही आपकी नींद खुले, बिस्तर छोड़ने से पहले आप ये अभ्यास कर लें कि मेरे सर पर सर्वशक्तिमान भगवान की छत्र छाया है, मेरे सर पर भगवान का हाथ है, वो सर्वशक्तिमान है, अल्माइटी अथॉरिटी है, वो हमारा पिता है, उसके होते हुए हमारा कभी भी नुकसान नहीं हो सकता। पक्का कर लें इसको, 1 से 2 मिनट सुबह उठते ही फील करें कि 1000 भुजाओं वाला स्वयं भगवान सर्वशक्तिमान का हाथ मेरे सर पर है। इस फीलिंग को अंदर तक ले जाएं, महसूस करें, स्वयं अल्माइटी अथॉरिटी जो हमारा पिता है, उसने अपना हाथ मेरे सर पर रख दिया है। इसलिए हमको क्या करना है, हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके साथ को अनुभव करने की जरूरत है। पहली बात, यही अभ्यास आज के समय में हम अपने परिवार के सभी सदस्यों को प्रैक्टिस कराएं। ये जरूरी नहीं है कि आप हमेशा उनके साथ ही रहेंगे,
आजकल देखिए किसी को कोविड हो जाता है तो उसके साथ अटेंडेंट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, कम से कम लोग उससे मिल पाते हैं, इन पर्सन उससे बात करने के लिए कोई नहीं रहता है जिससे वो अपनी बातें ऐसे साझा कर सके। तो इसलिए परिवार के हर सदस्य को, बच्चों को, बुजुर्गों को, साथियों को, दोस्तों को, माता पिता को, ये एक्सरसाइज आप सभी जरूर कराएं। सुबह उठते ही ये महसूस करें कि हमारे सर पर भगवान का हाथ है, बस निश्चिंत हो जाए। उसके बाद आप कभी ऑफिस के लिए जाते हैं, बाहर काम करने के लिए जाते हैं, आपका अपना कोई बिजनेस है, आपका अपना कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ आप जाते हैं, तो घर से बाहर जाने से पहले कोई भी हो, बच्चे हो, कोई भी हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, घर से बाहर जाने से पहले ये अभ्यास करके जाएं, इसको पक्का करके जाएं कि मैं अकेले नहीं जा रहा हूँ, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिमान भगवान है, उसकी छत्र छाया सदा हमारे ऊपर है। कभी कभी हम ये कहते हैं ना, हे भगवान छत्र छाया अपनी बनाए रखना, वास्तव में उसकी छत्र छाया हमेशा हमारे ऊपर होती ही होती है। जैसे सूरज होता है, सूरज तो सबको रोशनी देता है ना, और अगर हम बाहर ना निकले या छतरी लगा के बाहर निकले तो सूरज की रोशनी होते हुए भी हम सूरज की रोशनी से क्या हो जाते हैं, वंचित हो जाते हैं। फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, अगर हम उससे वंचित हो जाते हैं फिर हम भगवान को दोष देने लगते हैं। इसलिए उसके ऊपर विश्वास रखकर जब हम घर से बाहर निकले उसका आह्वान कर लें कि हम उसकी छत्र छाया के नीचे हैं, वो हजार भुजाओं वाला है, वो हर समय हमारी मदद करने को तैयार है, बशर्ते जो हमारी बुद्धि है, बुद्धि की लाइन स्वच्छ होनी चाहिए, उसमें कोई स्वार्थ, कोई मैलापन, किसी के प्रति परचिंतन, किसी के प्रति दुर्भावना नहीं होनी चाहिए, तभी हम उसके वाइब्रेशंस को कैच कर पाएंगे। तो दूसरी बार ऐसे कर सकते हैं, तीसरी बार आप लंच के समय कर सकते हैं, दोपहर में किसी समय कर सकते हैं, जब आपको लंच करने का टाइम हो या थोड़ा सा आपके पास खाली समय हो, आप थोड़ी देर रिलैक्स होकर बैठ जाएं और फील करें कि मेरे सर पर सर्वशक्तिमान भगवान का हाथ है, वो हजार भुजाओं वाला है, भले हमको नहीं पता है पर उसको सब कुछ पता है, इसलिए हमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप फील करें हजार भुजाओं वाला भगवान, उसका हाथ हमारे सर पर है। ऐसे ही दिन में करने के बाद रात में आप विश्राम करने से पहले, रात में सोने से पहले ये अभ्यास आप कर सकते हैं। जब आप विश्राम करने के लिए जाएं, तो अपने सारे दिनचर्या को याद करके जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा हुआ हो वो सब भगवान को समर्पित कर दें। जैसे वो हमारा शिक्षक भी है और हमारा सर्जन भी है, हमारा माता पिता भी है, तो सारा बोझ भगवान को अर्पित कर दें। थोड़ा अभ्यास कर लेते हैं कि कैसे हम सोने से पहले अपना सारा बोझ हम भगवान को अर्पित कर दें। चलिए हमारे साथ विजुलाइज करिए। कि हम ऑफिस का काम फिनिश करके अपने घर आ गए हैं, अपने शाम के सभी कार्यों को समेट कर डिनर करके अब हम निश्चिंत हो गए हैं, खाली हो गए हैं,
अपने घर में कहीं एकांत में बैठ जाए, वो कोई भी जगह हो सकती है, मंदिर भी हो सकता है, आपके घर का छत भी हो सकता है, या आपका विश्राम घर भी हो सकता है जहां आपको रेस्ट करना है। मन को शांत कर दें। विजुलाइज करें सर्वशक्तिमान परमात्मा हमारा पिता है। वो क्षमा का सागर है, प्रेम का सागर है, दया का सागर है, अपनी दिनचर्या की सारी चीजें, कुछ गलती भी हो गया हो, वो भी, जो हमने अच्छा किया हो वो भी उस परमात्मा के साथ साझा कर ले। दिल की गहराइयों के साथ अपने सारे बोझ को परमात्मा को अर्पित कर दे। विजुलाइज करें, भगवान ने हमें माफ कर दिया है और अपना प्यार भरा हाथ मेरे सर पर रख दिया है। और कह रहे हैं, बच्चे मैं हूं ना, सब ठीक हो जाएगा। मन को रिलैक्स कर दे। मन में किसी भी प्रकार की नकारात्मक बातें नहीं रखे, उसको समाप्त कर दे। मन को शुद्ध करके ईश्वर की याद में विश्राम करें। सोते समय ये अभ्यास हम कर सकते हैं। अगर किसी बर्तन में कुछ किचड़ा रह जाता है, कुछ बासी भोजन रह जाता है, तो अगले दिन सुबह के लिए वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है और उसमें कीड़े पैदा हो जाते हैं। तो समझदारी ये कहती है कि सोने से पहले हम अपने सारे नेगेटिविटी को समाप्त कर दें और भगवान को महसूस करें, वो हमारे साथ है। ये सुरक्षा कवच जो है, ईश्वर की याद का सुरक्षा कवच, भगवान की स्मृति का सुरक्षा कवच, मैं कौन हूँ इसका सुरक्षा कवच, कौन हमारा साथी है इसका सुरक्षा कवच, किसने हमारा जीवन ऐसा बनाया है इसका सुरक्षा कवच, कौन हमारा टीचर है उसका सुरक्षा कवच, कौन हमारा गुरु है इसका सुरक्षा कवच, ये बातें अगर हमारे स्मृति में होंगी तो एक डिवाइन प्रोटेक्शन, उसका जो आभा मंडल है परमात्मा का, वो हमारे चारों तरफ हमें रक्षा करता रहेगा, हमें समस्याओं से बचाता रहेगा। तो भाइयों बहनों, जो हम लोग जब भी हम हेड कैप पहने, हम ये भी स्मृति में लाएं, भगवान की छत्र छाया के नीचे। दूसरा, हम लोग चश्मा पहनते हैं, गूगल है ना, ऐसा कहा जाता है कि जो जैसा चश्मा पहनता है या चश्मे का जैसा रंग होता है वैसी ही दुनिया दिखती है। या ऐसा भी कहा जाता है कि जैसी हमारी नजर होगी वैसे हमें नजारे दिखाई पड़ेंगे, या जैसा हमारा नजरिया होगा वैसे हमारे नजारे दिखाई पड़ेंगे। तो कहीं भी आज के समय में हमें क्या करना है, इन आंखों से वही चीजें देखनी है जो हमारे काम की हैं, हमारे फायदे की हैं। आजकल देखिए, हम सभी लोग टेलीविज़न देख रहे हैं, हमारे पास सोशल मीडिया है, यूट्यूब्स हैं,
फेसबुक है, बहुत सारे साधन हमारे पास सोशल मीडिया के हैं, उन सोशल मीडिया को हम कई बार ओपन करके देखते हैं, वही समाचार कई बार, कभी डराने वाले, कभी इस तरह के समाचार कई बार हमको सुनाई पड़ते हैं। और अगर हम बार बार इन आँखों से उस समाचार को सुनेंगे, देखेंगे, सुनेंगे अगर, तो उसका जो विजन है वो हमारे मानस पटल पर अंकित हो जाएगा। ऐसा आप लोग भी मानते होंगे ना, जो आँखों से देखा हुआ होता है उसको कभी नकारा नहीं जा सकता है। तो अगर हम बार बार वही चीज़ देखते रहेंगे तो हमारे मानस पटल पर उसी की छाप क्या हो जाएगी, बैठ जाएगी। फिर वैसे ही हमको सपने आने लगेंगे, वैसे हमारे विचार हो जाएंगे, वैसे हमारी भावनाएं हो जाएंगी, हमें छोटी छोटी बातों पे डर लगने लगेगा, एंजाइटी होने लगेगी, और इसका जो साइकिल है फिर वो बढ़ता जाएगा। बढ़ते बढ़ते फिर क्या हो जाएगा, मानसिक परेशानियों के शिकार हो सकते हैं, इंसोमनिया के शिकार हो सकते हैं, डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, हमें फिर डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो दोस्तों, आँख से हमें वही देखना है जिसकी हमें ज़रूरत है। आजकल हम सुबह उठते ही न्यूज़ सुनने लगते हैं, पेपर में समाचार पढ़ने लगते हैं, इतने लोग मारे गए, इतने केस आए, ये हो गया, वो हो गया, तो पहली फीडिंग हम वही कर लेते हैं और सारा दिन हमारे मन में चलता रहता है। तो जो हम चश्मा लगाते हैं, हमें ध्यान रखना है कि हमें कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ नहीं देखनी है, अर्थात अपने नज़रियों को बहुत ब्रॉड बनाना है ना, ब्रॉड माइंडेड ना। मानव होने के नाते हम सभी ब्रॉड माइंडेड हैं, अच्छा देखना, अच्छी चीज़ें समझना, ये मानव का नज़रिया है। इसलिए अपने इस नज़रिए को हमें इस्तेमाल करना है। अगर आपसे कोई कहे कि आप गंदे पानी से अपने आंखें साफ करो, आप साफ करेंगे? पानी तो वो भी है ना। अब कोई अगर जबरदस्ती करेगा तो आप क्या करेंगे? आप नाराज हो जाएंगे, गुस्सा करेंगे, या अपने आप को रोकने का प्रयास करेंगे कि इस गंदे पानी से हमें अपनी आंखों को नहीं साफ करना है। अगर ये गंदा पानी अपने आंखों में डालेंगे तो क्या होगा, हमारी आंखों को बीमार कर देगा, हमारी आंखों में और समस्याएं पैदा कर देगा। ऐसे ही ये जो इस तरह के न्यूज़ हैं, समाचार हैं, फालतू की बातें हैं, जो हम जो गंदी बातें हैं, जो हमारे लिए उपयोगी नहीं है, यूजफुल नहीं है, वेस्ट की बातें हैं, अगर उनसे उनको हम बार बार उनसे अपने आंखों पर छींटा मारेंगे तो हमारी आंखें खराब होंगी, नहीं खराब होंगी, हमारा देखने का नज़रिया खराब होगा कि नहीं खराब होगा। इसलिए भाइयों बहनों, सुबह उठते ही गंदे पानी से नहीं, साफ सुथरे स्वच्छ पानी, अर्थात श्रेष्ठ ज्ञान, ज्ञान का मनन चिंतन, अच्छी बातें, अच्छे भाव, अच्छे स्वभाव, अच्छे संस्कारों से हम अपनी दिनचर्या की शुरुआत करें। नहीं तो फिर नज़र वैसे ही हो जाएंगी जैसे गंदा पानी से अगर नज़र हमको धोएंगे तो नज़रें खराब हो जाएंगी। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अगर हम चाहते हैं कि हमारे पर डिवाइन प्रोटेक्शन बना रहे, हमें नज़रों का बहुत ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, गांव में तो अभी भी कहते हैं किसकी नज़र लग गई, नज़र न लग जाए किसी की, अर्थात अपने आँखों पर कितना ध्यान रखना पड़ता है। अगर ध्यान नहीं रखेंगे, यहाँ से जो निगेटिविटी हमारे अंदर चली जाती है वो कहीं ना कहीं हमें नुकसान करेगी। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो हम लोग मास्क पहनते हैं, तो मास्क क्यों पहनते हैं हम लोग? इसलिए पहनते हैं ना कि बाहर का जो कीटाणु है वो अंदर न जा सके, और जो अंदर का कीटाणु है वो बाहर न जा सके, इसलिए हम लोग क्या पहनते हैं? मास्क पहनते हैं। मास्क पहनते हैं अपनी सुरक्षा के लिए। इसी प्रकार अगर हम अपनी जुबान पर कुछ बातों का ध्यान रख लें, चार बातें, तो हमारी मनोस्थिति ठीक रहेगी। क्योंकि आज के समय में अगर हमारी मनोस्थिति खराब होती है तो उसको ठीक करना मुश्किल हो जाएगा। चार बातें,
पहली इंपॉर्टेंट बात कम बोलना है ना? क्या करते हैं हम, बार बार मास्क उतारेंगे, बार बार बोलेंगे। आजकल तो जब फैशन टाइप का हो गया, जब बात करना होगा तो मास्क उतार देंगे, जब बात करना होगा तो मास्क पहन करके बात करें ताकि कीटाणु फैले नहीं इधर उधर। और हम क्या करते हैं, जब बात करना होता है तो मास्क उतार देते हैं, अगल बगल लोग बैठे भी होते हैं तो फिर वो फैलने लगता है। तो वह स्थूल मास की बात हो गई। तो कम बोलना है, नेचुरल सी बात है, कम बोलेंगे तो फालतू चीज नहीं बोलेंगे, काम का ही बोलेंगे, है ना। दूसरा है धीरे बोलना है। कोई कोई लोग क्या होते हैं, कम बोलते हैं पर बहुत जब बोलते हैं तो बिल्कुल जैसे बम ब्लास्ट हो गया वैसे बोलते हैं। तो कम बोलना है, धीरे बोलना है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, काम का बोलना है। कई बार चुगली भी इंसान क्या करता है, कम बोलता है धीरे बोलता है, पर वो बेकार की बात होती है जो हमारे मन को खराब कर देती है। पहले इंपॉर्टेंट बात, जब हम मास्क लगाएं तो पहली बात याद रखें, हमें कम बोलना है। कम बोलेंगे तो गलतियां कम होंगी, ज्यादा बोलेंगे तो फालतू बातें बोलेंगे, किसी किसी के दिल को दुखा भी देंगे। दूसरा धीरे बोलना है, तीसरा काम का बोलना है, और चौथा सोच समझ कर बोलना है। अगर इन चार बातों का ध्यान हम आज रखते हैं तो अपने घर में भी खुशनुमा माहौल रहेगा, कार्यक्षेत्र पर भी खुशनुमा माहौल रहेगा, सबके मन में खुशी होगी, आनंद का माहौल होगा। और हम जानते हैं कि जहाँ पॉजिटिविटी होती है वहाँ पर निगेटिविटी, चाहे वो वायरस ही क्यों ना हो, वो हावी नहीं हो सकती है। तो ये हमारी जिम्मेवारी बनती है, जहाँ पर हम काम करते हैं, जहाँ पर हम रहते हैं, हम वहाँ का माहौल सकारात्मक और पॉजिटिव बना करके रखें। इसलिए प्यारे भाइयों बहनों, अपने अपने बोल पर बहुत ध्यान रखना है। इससे भी एक डिवाइन प्रोटेक्शन हमको मिलता है, एक सुरक्षा कवच हमारे चारों तरफ बनता है, जब हमारे चारों तरफ एक पॉजिटिविटी होती है हमारे बोल को लेकर के। फिर जो चौथी इंपॉर्टेंट बात है, वो गाउन होता है बहुत बड़ा, जो हम यहाँ से लेकर के वहाँ तक पहनते हैं। ये क्यों हम कह रहे हैं, ये जो हमारा शरीर है, इस शरीर का ये मैक्सिमम हिस्से का निर्माण करता है, ये जो हमें आंखों से दिखाई पड़ता है। तो क्या करना है हमें, जैसे हम इसका प्रोटेक्शन करते हैं जिससे वो कीटाणु हमारे अंदर ना चला जाए, उसी प्रकार जो हमारी चेतना है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, जो हमारे शरीर को चलाने वाली एक ड्राइविंग फोर्स है, उसका भी भोजन क्या होना चाहिए जिससे हमारे शरीर के सभी अंगों में ताजगी और तंदुरुस्ती बनी रहे, इसका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। इसलिए अच्छे विचार, अच्छे संस्कारित व्यक्तियों का साथ, अच्छे लिटरेचर, ये सब चीज़ें पढ़ना भी बहुत जरूरी है, जिससे हमारे मन में अच्छी खुराक जाती रहे। और जब मन में अच्छी खुराक जाएगी तो हमारे शरीर के सारे अंग तंदुरुस्त और ठीक रीति से कार्य करते रहेंगे। पांचवी और इम्पॉर्टेंट बात है, हाथों में ग्लव्स पहनना ना। वैसे तो हाथों में ग्लव्स इसलिए पहनते हैं कि यहाँ पर कीटाणु ना, वायरस के चिपक ना जाए, जो इधर उधर ट्रांसफर हो जाए, नुकसान कर सकते हैं। तो भाइयों बहनों, आज के इस समय में, जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अगर हमारा एटीट्यूड कोऑपरेशन का होगा, एटीट्यूड ऑफ कोऑपरेशन ना, आप भी ग्रुप बनाइए एक बार हमारे साथ, आप भी ग्रुप बनाइए। जब आप ग्रुप बनाते हैं तो आप क्या पाते हैं, ये दो फिंगर हैं, दो फिंगर के बीच में गैप है, देख रहे हैं आप। और जब आप ग्रिप बनाते हैं तो ये एक मजबूती आ जाती है इसके अंदर, एक शक्ति आ जाती है इसके अंदर। ये कैसे हो पाया, जब हमने अपने दोनों हाथों को सहयोग दिया, कोऑपरेट किया और ये मजबूत हो गया। ऐसे ही
आज के समय में हम मेंटली या जिस भी तरीके से हम एक दूसरे को सहयोग कर सकते हैं, उस तरह का कोऑपरेटिव एटीट्यूड अगर हम रखेंगे तो ईश्वर का वरदान भी हमको मिलेगा, भगवान की छत्र छाया भी हमको मिलेगी, उसकी शक्ति भी हमको मिलेगी, सबकी दुआएं और सबका प्यार भी हमको मिलेगा, हमारा मन बहुत खुश रहेगा, प्रफुल्लित रहेगा। हम मिल करके आप सभी के साथ इस महामारी के ऊपर भी विजय प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं बातों के साथ जो हमने आप सभी के साथ चार बातें साझा की, पांच बातें, सबसे ऊपर कौन सा हेड कैप ना, भगवान की छत्र छाया के नीचे, फिर आंखें कौन सी ना, ब्रॉड माइंडेड वाली, अच्छा देखने वाली, मुख कौन सा, चार बातें याद तो है ना, कम बोलना है, धीरे बोलना है, मीठे बोलना है और सोच समझ के बोलना है, फिर हाथ कैसा होना चाहिए, सहयोग का होना चाहिए, और आत्मा के लिए भोजन कैसा होना चाहिए, शुद्ध और पवित्र विचार, अच्छे विचार होने चाहिए ताकि शरीर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक रोग ना लग सके। आइए थोड़ी देर हम चलेंगे मेडिटेशन की ओर, 5 मिनट करेंगे, कैसे भगवान को अपना बोझ अर्पित करें इसको हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे। सब रिलैक्स होकर बैठ जाएं। विजुलाइज करें, मैं एक चमकती हुई ज्योति, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, चमकती हुई मणि, निराकारी निर्विकारी आत्मा हूं, मैं भगवान की छत्र छाया के नीचे हूं, शांति का सागर है, उससे शांति की तरंगे निकलकर मेरे ऊपर पड़ रही है, डीप साइलेंस की अनुभूति कर रही हूं, अपने पिता परमात्मा की छत्र छाया के नीचे, उनकी गोद में निश्चिंत हूं, अपना सारा बोझ भगवान को समर्पित करके मैं आत्मा एकदम हल्की हो गई हूं। ओम शांति, ओम शांति। आप सभी को पुनः प्यार भरा नमस्कार। मैं आशा है कि
कि आप सभी को सेशन पसंद आया होगा। आप जरूर अपने साथियों के साथ साझा करिएगा और ये अभ्यास करते रहिएगा, ताकि हम इस मुसीबत की घड़ी में, क्राइसिस के समय में अपनी भी मदद कर सके और अपने साथियों की भी मदद कर सके। इन सुभावनाओं के साथ आपके जीवन की यात्रा सरल हो, सहज हो, खुशियों भरी हो, दूसरों को भी आप उनके मंजिल तक पहुंचने में मदद कर सके। आशाओं के साथ आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, ओम शांति।